वाओ वाओ, तुम लोगों को पता कैसे चल जाता है कि मैं वीडियो शूट करने बैठी हूँ? Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new here, my name is Antima Dubey. I make videos on makeup, fashion and lifestyle. So I'm back with another review video and today I'm going to review a skincare product which is face wash and face serum from Dermaco. So agar aapki skin combination hai, oily hai, extremely oily hai, acne prone hai, sensitive hai, to ye video aapke liye bahut hi zyada useful hone wali hai kyunki ye jo product hai jinke bare mein aaj main baat karne wali hu ये इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हैं. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में सारी चीजें कवर करने वाली हूं, लाइक इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट, इसको कौन से स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं, इसको किस एक्टिव के साथ यूज कर सकते हैं, किस एक्टिव के साथ नहीं यूज कर सकते हैं, इसको कब कब यूज करना है एंड कब नहीं यूज करना है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दीज प्रोडक्ट देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. Alright guys, तो जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है ये दो प्रोडक्ट्स और हम स्टार्ट करेंगे फेस वॉश से क्योंकि अपना स्किन केयर भी हम फेस वॉश से ही स्टार्ट करते हैं. वैसे इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया. तो ये है Dermaco 1% सैलिसिलिक एसिड जेल डेली फेस वॉश. इसका प्राइस है 299 रुपीज जिसमें आपको मिलेगी 100 ग्राम्स की क्वांटिटी और जिसकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की. कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होगा और इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो इस तरह की ट्यूब है, मतलब जो बेसिक फेस वॉश की पैकेजिंग होती है वैसी ही. सारी की सारी डिटेल्स आपको इन दोनों के बैक पर मिल जाएगी, लाइक इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसको कैसे यूज करना है, एवरीथिंग. इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है 1% सैलिसिलिक एसिड जो कि आपकी स्किन में अगर एक्टिव एक्ने है तो उस पर काम करेगा, अगर ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं तो उस पर काम करेगा, ओपन पोर्स हैं तो उस पर काम करेगा क्योंकि हमारे पोर्स में जाके जब पॉल्यूशन, डर्ट, मेकअप की सारी चीजें जाती हैं तो हमारे पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं और हमें एक्ने होना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड ये एक्ने बैक्टीरिया जो होता है उस पर भी काम करेगा जिससे हमारे एक्ने फैलते हैं. आपने देखा होगा कि एक एक्ने होता है, देन हम उसको टच कर देते हैं या वैसे ही फैलता चला जाता है, तो वो एक्ने बैक्टीरिया की वजह से होता है. तो ये इन सारी चीजों पर काम करेगा. और जो दूसरा इंग्रीडियंट है वो है विच हेजल एंड विलो बार्क, एंड इसको आप ना डे एंड नाइट दोनों में ही यूज कर सकते हैं. इसमें किसी भी टाइप की कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, ये फ्रेग्रेंस फ्री है. एंड फ्रेग्रेंस फ्री होने के साथ साथ ये सल्फेट फ्री है, डाई फ्री है, पैराबिन फ्री है एंड मिनरल ऑयल फ्री है एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है. तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कलर, कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर के बारे में. इसका जो कलर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं. कंसिस्टेंसी आप देख रहे होंगे रनी कंसिस्टेंसी है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. एंड फ्रेग्रेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें किसी भी टाइप की कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है. जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में जो भी डॉट है, पोल्यूशन है, मतलब डीप क्लीन करता है. लेकिन मैंने देखा है कि जो भी फेस वॉश बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं या जो ऑयली स्किन के लिए है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, वो फेस वॉश जो होते हैं उनको यूज करने के बाद हमारी स्किन जो है थोड़ी सी खिंची खिंची सी फील होती है. आपने ये चीज नोटिस की होगी. लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद ये आपकी स्किन में जो नेचुरल ऑयल है उसको स्ट्रिप आउट नहीं करता क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, मेरी स्किन ना तो ऑयली है ना ही एक्ने प्रोन है. छोटे मोटे एक्ने आ जाते हैं, वो मेकअप की वजह से आते हैं. जब भी मैं जैसे मेकअप लुक्स बहुत ज्यादा करती हूँ तब मैंने ये चीज नोटिस की है कि उसके बाद मुझे एक्ने होते हैं और तब मैं ये चीज यूज करती हूँ. लेकिन मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी स्किन ड्राई फील हो रही है या खिंची खिंची सी फेल हो रही है. और अब ना मैं इसको अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखा देती हूं. इस फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड के अलावा विच हेजल एंड विलो बार्क भी है. विच हेजल अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, उसमें रेड पैचेस आ जाते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से डरते हैं, तो ये उसको हील करने में हेल्प करता है, उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है. एंड विलो बार्क में एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि एक्ने को हील करने में हेल्प करता है. अगला जो प्रोडक्ट है वो है Dermaco 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम फॉर एक्टिव एक्ने जिसका प्राइस है 499 रुपीस जिसमें आपको मिलेगी 30 ग्राम्स की क्वांटिटी और जिसकी सेल्फ लाइफ है 2 इयर्स की. कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होगा और इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो इस तरह की ग्लास बॉटल है विद ड्रॉपर. ड्रॉपर रहता है तो आपका हाइजीन भी मेंटेन रहता है.
एंड सारी की सारी डिटेल्स आपको इन दोनों के बैक पर मिल जाएगी, लाइक इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसको कैसे यूज करना है, एवरीथिंग। एंड इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो भी सैलिसिलिक एसिड है, लेकिन इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है। एंड अगेन मैं बोलूंगी कि सैलिसिलिक एसिड अगर आपके एक्टिव एक्ने हैं, एंड अगर आपके एक्ने ऐसे होते हैं जो स्किन के अंदर ही होते हैं, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ऐसे दाने से हो जाते हैं, ना तो वो एक्ने कहलाते हैं ना तो वो पिंपल कहलाते हैं, बहुत ही कड़क होते हैं, स्किन को टच करके देखो तो बहुत ही कड़क फील होता है। ये मेरे साथ होता है जब मैं बहुत ज्यादा मेकअप यूज करती हूँ, ज्यादातर होता है ये जब फेस्टिव सीजन होता है, उसमें मेकअप ट्यूटोरियल काफी ज्यादा करने पड़ते हैं, तो उस टाइम मेरी स्किन में ऐसे छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, लाइक आपको फील होगा कि मेरे पोर्स जो है वो क्लॉग हो गए हैं, तो उस पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। एंड अगर मैं बात करूं इसके कलर कंसिस्टेंसी या टेक्सचर की, तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी इसकी वाटरी है, एंड इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल सीरम लाइक है, बहुत ही स्मूथ है, अप्लाई करते ही आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल भी हैवी, चिपचिपा या शाइनी फील नहीं होगा। आप इसको डे एंड नाइट दोनों स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। एंड इसमें भी किसी भी टाइप का कोई भी फ्रेग्रेंस, डाई, मिनरल ऑयल एंड पैराबिन सल्फेट नहीं है, और ये प्रोडक्ट भी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो अब मैं इसको भी अपने फेस पे अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देती हूं। अगर आप इस सीरम को यूज करते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको रेटिनॉल या विटामिन सी इसके साथ नहीं यूज करना है। अगर रेटिनॉल या विटामिन सी ऑलरेडी आपके स्किन केयर रूटीन में है तो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों सीरम को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप उसको एएम में यूज कर रहे हैं तो उसको पीएम में यूज कर सकते हैं, या उसको पीएम में यूज कर रहे हैं तो इसको एएम में यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। कोई भी एक्टिव अगर आप यूज करते हैं तो सनस्क्रीन आपको जरूर अप्लाई करना है। इवन अगर आप एक्टिव नहीं भी यूज करते तो भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। अच्छा जी, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इन प्रोडक्ट्स के बारे में। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट ट्राई करना है तो इन सबका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आप डर्माको की वेबसाइट से परचेज करते हैं तो मैं यहाँ पे अपना कूपन कोड लगा दूंगी, उसको अप्लाई करने के बाद आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और हाँ, जब भी आप डर्माको की वेबसाइट से कुछ भी परचेज करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं उस बच्चे से जिसको ये एजुकेशन देने में हेल्प करते हैं विद भूमि। इनका एम है कि इस साल 10,000 से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन देने में हेल्प करें, तो कितनी अच्छी बात है, मतलब आपका स्किन केयर हो रहा है, साथ के साथ आप लोगों को एजुकेशन में हेल्प भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना, बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।